Let's do question number 27th of exercise 2E, that is factors and multiples. Question number 27 is, the traffic light at three different road crossings changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. इसका मतलब है कि लाइट्स लगी हुई हैं तीन क्रॉसिंग्स पे, तो पहली लाइट 48 सेकंड्स बाद चेंज हो जाती है, सेकेंड लाइट 72 सेकेंड्स के बाद और थर्ड लाइट 108 सेकेंड्स के बाद चेंज हो जाती है. इफ दे स्टार्टेड चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो एक साथ जो है 8 AM पे चेंज होती हैं, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, तो कितने टाइम बाद वो एक साथ कब चेंज होंगी, तो ये बताना है. अगर वो 8 बजे स्टार्ट होती है एक साथ चेंज होना, तो उसके कितने मिनट या कितने आवर्स बाद वो एक साथ चेंज होंगी, ये बताना है. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. अब हमें पता है फर्स्ट लाइट हमारी चेंज होती है, लाइट चेंजेस इन 48 सेकेंड्स आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स. सेकेंड लाइट होती है हमारी, सेकेंड लाइट इज इक्वल्स टू 72 सेकेंड्स. एंड थर्ड लाइट होती है हमारी, थर्ड लाइट होती है हमारी 108 सेकेंड्स पे, राइट. अब वो 8 बजे अगर एक साथ होती हैं तो कितनी देर बाद होंगी, ये मतलब कि ऐसा नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके तीनों से, जिससे कि हम फ्यूचर में बता सकें कि कौन से टाइमिंग पे वो एग्जैक्टली चेंज होंगी साथ में. तो उसके लिए हमने क्या किया, 48, 72 और 108 का हमने क्या निकाल लिया, LCM निकाल लिया. तो दैट मींस 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अगेन 2 से गया, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 एज इट इज आ गया. अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं हो सकता तो एज इट इज, ऐसी 27 भी एज इट इज. नाउ 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27. 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर से 3 से डिवाइड हुआ तो 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया LCM. अगर आप देखेंगे तो LCM आ गया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3. 4 कैसे, देखिए 4 टाइम्स है 2 और 3 3 टाइम्स है, तो इसलिए 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4. अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, ध्यान से समझिएगा, 16 है 2 की पावर 4 का मतलब. और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है. अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आया, 27 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 13 14 15 16. अब ये कितना आया, 7 एंड 2, तो ये आया 2 13 कैरी 1 4, तो दैट मींस ये आ गया 432 सेकेंड्स बाद ये चेंज होगी. अब हमें टाइम निकालना है कि अगर लाइट एक साथ 8 AM पे स्टार्ट हुई है तो नेक्स्ट कितने मिनट बाद या आज बाद स्टार्ट होगी एक साथ. हम इस टाइम को मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा देखिए 60 सेकेंड्स आता है हमारा इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 432 सेकेंड्स कितने मिनट हो गए, दैट इज 432 को हमने डिवाइड किया 60 से, तो ये कितना आया, ये आया, डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, देखिए 432 को 60 से. अब हमें पता है 67 इज 420, राइट, तो ये कितना आ गया 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 minutes and 12 seconds, क्योंकि ये सेकेंड्स में ही बच रहे हैं और ये हमने मिनट में चेंज कर दिया डिवाइड बाय 60 करके. तो आफ्टर 7 minutes 12 seconds के बाद वो दोबारा से जलेंगी एक साथ लाइट्स. आंसर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ एक्सरसाइज
टू ई फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर 28 इज थ्री मेजरिंग रॉड्स आर, तीन मेजरिंग रॉड्स हैं जो कि हैं 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ. What is the least length in meters of a rope that can be measured by the full length of each these three rods? तीन rods दे रखी हैं, ऐसा कितना length होगा rope का कि जिससे कि ये exactly divisible हो जाए और कोई भी waste ना बचे. तो हमें वो least length निकालनी है rods की. तो हमारी rods दे रखी हैं 28. First rod दे रखी है 45 सेंटीमीटर की. फर्स्ट रॉड है 45 सेंटीमीटर की. सेकेंड रॉड है हमारी 50 सेंटीमीटर की. और थर्ड रॉड है हमारी 75 सेंटीमीटर की. राइट. अब हमें एग्जैक्टली डिविजिबल वाली निकालनी है. तो दैट मींस हम क्या निकालेंगे? एलसीएम. तो हमने निकाला 45, 50 और 75 का LCM. तो देखिए देखिए 52 से डिवाइड हो सकता है. तो हमने किया 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 75 एज इट इज. 75 डिवाइड नहीं हो सकता. नाउ 3 से देखते हैं कौन सा डिवाइड होता है. 45 डिवाइड हो सकता है. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 25 एज इट इज. 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15. अगेन 3 से, क्योंकि 3 5s are 15 हो रहा है. 25 एंड 25 एज इट इज. नाउ 5 से गया तो 5 1s are 5, 5 5s are 25 एंड 5 5s are 25. अगेन 5 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5. तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है कि हमारा ये रॉड से पूरा पूरा मेजरमेंट हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे. तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं. तो ये आया 2 की पावर 1. 3 2 टाइम्स से डिवाइड किया है तो 3 की पावर 2. इसी तरीके से 5 2 टाइम्स डिवाइड किया है तो 5 की पावर 2. तो ये आ गया 2. 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 into 3, दैट इज 9. 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 5 into 5, दैट इज 25. अब नाउ 25 2s हमारा कितना है? 50 into 9, दैट इज 450 आ गया. 450 सेंटीमीटर आ रहा है कि कपड़े की लेंथ 450 सेंटीमीटर होनी चाहिए. अब हमें पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, राइट. तो 450 सेंटीमीटर का कितना होगा? दैट इज, एक की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है. तो हमने डिवाइड कर दिया, 450 को 100 से डिवाइड कर दिया. तो 0 से 0 कैंसिल हो गई. तो अब हमें पता है जब एक 0 नीचे होती है तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं. तो हमने किया 4.5 मीटर, और वी कैन से दैट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर इज द आंसर.